बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेज हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले सेंटेंसेज हैं इस कॉन्वर्सेशन में जो हम यूज करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेज के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेज बना पाए और इन सेंटेंसेज को भी आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। और देखने वाली चीज़ ये है, सेंटेंस का फॉर्मेशन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, हम किस बात को कहने के लिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। फीलिंग को समझिए, सिचुएशन को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं और इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, राइट? जैसे भुट्टा कौन कौन खाएगा, कौन भुट्टा कौन कौन खाएगा, हु ऑल विल ईट कॉर्न, बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप भुट्टा भूनने के लिए जा रहे हैं, किचन में खड़े हैं या पूछ रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से, तो उस कंडीशन में हु ऑल आर गोना ईट कॉर्न, ये और ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा, हु ऑल आर गोना ईट कॉर्न। क्योंकि उस कंडीशन में होता है क्या, जब चीज़ घर में बनती है तो सबका मन हो ही जाता है। तो जब गोइंग टू जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि डिसाइडेड है, हु ऑल आर गोना ईट कॉर्न, यानी कि हमने उनकी एक्साइटमेंट को अपने सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया साथ के साथ, हु ऑल आर गोना ईट कॉर्न, कौन कौन खाने वाला है, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये भुट्टे का सीजन तो है नहीं। नाउ ये कॉन्वर्सेशन जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है। नाउ वाइफ इज सेइंग कि ये भुट्टे का सीजन तो है नहीं, सो इट इज नॉट कॉर्न सीजन येट, इट इज नॉट कॉर्न सीजन, इतना भी कह सकते हैं, या फिर और ज्यादा इसमें थोड़ी भावना भरनी है तो इतना कह सकते हैं, वेल इट इज नॉट कॉर्न सीजन, यानी ये भुट्टे का सीजन तो है नहीं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें भुट्टे कहाँ मिल गए, तुम्हें भुट्टे कहाँ से मिल गए। नाउ वाइफ इज आस्किंग, राइट, कि तुम्हें भुट्टे कहाँ से मिल गए, तो वेयर डिड यू फाइंड देम, सिंस दिस इज नॉट द कॉर्न सीजन वेयर डिड यू फाइंड देम, जैसे कि Since this is not the corn season, where did you find them? यानी कि जैसा कि ये भुट्टे का मौसम तो है नहीं, तुम्हें कहाँ मिल गए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, well, this is not corn season, where did you find them? कहाँ मिल गए तुमको? Now, look at the next sentence. Now, husband is replying, अब हर सीजन में सब कुछ मिलता है, अब हर सीजन में सब कुछ मिलता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको कह दिया जाएगा, Nowadays, you can find everything in every season. Nowadays, You can find everything in every season. तो होता क्या है, जब हम शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा हम अटक जाते हैं, समझ नहीं आता कि ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। तो हमें ये सीखना होता है कि अंग्रेज नेचुरली इस बात को इस सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस को बनाता। सो नाउअडेज यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन एवरी सीजन, यानी कि हर सीजन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मार्केट में कहीं तरबूज दिखा। नाउ वाइफ इज आस्किंग, सेंस हस्बैंड हैज बॉट कॉर्न्स, नाउ वाइफ इज आस्किंग, तुम्हें मार्केट में कहीं तरबूज दिखा। सो डिड यू सी एनी वाटरमेलन इन द मार्केट, डिड यू सी एनी वाटरमेलन इन द मार्केट, क्या आपको मार्केट में कहीं तरबूज दिखा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ बहुत सारे बिक रहे हैं। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड अ कम्युनिटी, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, वहाँ पे कम्युनिटी मिल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैट कर रहे हैं, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है ग्रुप में, राइट? और दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक केवल हम इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। किसी को कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आ रहा है, या किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सिचुएशन में अप्रोप्रिएट साउंड करेगा या नहीं करेगा, तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप बैठेंगे, 150-200 सेंटेंसेज रोजाना सुनेंगे, तो उन सेंटेंसेज को भी अडॉप्ट कर लेंगे, डिस्कशन के दौरान कंसेप्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे यू वांट, राइट? तो ये सारा का सारा गेम है एटमोसफेयर का। तो कम्युनिटी को ज्वाइन करिए जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, डिस्कस हो रही है, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जहां तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। अगर आपके पास टाइम है और लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो फीस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, फोन पे बात कर लेंगे, सो मनी इज नॉट अ बिग इशू, राइट? नाउ गेट बैक टू इट। हाँ, बहुत सारे दिख रहे हैं। अब यही चीज हमको किसी को कहनी है कि बहुत सारी कोई भी चीज बिक रही है। सो यस, मेनी वाटरमेलन्स आर सेलिंग, इसमें वाटरमेलन हटा भी सकते हैं आप, सिंपल इतना कह सकते हैं। अगर उसने पूछा, वाइफ ने पूछा है, डिड यू सी एनी वाटरमेलन इन द मार्केट, डिड यू सी एनी वाटरमेलन इन द मार्केट, तो सिंपल इतना रिप्लाई किया जा सकता है, यस मेनी आर सेलिंग,
इतना कहके भी छोड़ सकते हैं। हाँ बहुत सारे बिक रहे हैं, यस मैनी वाटरमेलन्स आर बीइंग सोल्ड, ये एक लिटरल ट्रांसलेशन है, ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन नेचुरली इसको इसी तरीके से कह देते हैं मैनी आर सेलिंग। नाउ एक चीज और, अगर मान के चलिए किसी को पूछना है कि भैया तरबूज मार्केट में क्या रेट बिक रहे हैं, तरबूज मार्केट में क्या रेट बिक रहे हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द प्राइस ऑफ वाटरमेलन इन द मार्केट, व्हाट्स द प्राइस ऑफ वाटरमेलन इन द मार्केट। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं हाउ मच अ वाटरमेलन सेलिंग फॉर, हाउ मच अ वाटरमेलन सेलिंग फॉर इन द मार्केट। तो कई सारे एक सेंटेंस को कम से कम 20 तरीके से बनाया जा सकता है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और पता होना चाहिए सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पर करना है, वर्ड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखना होता है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो लाते क्यों नहीं, नहीं हस्बैंड ने रिप्लाई किया यस मेनी आर सेलिंग देयर इन द मार्केट, बहुत सारे बिक रहे हैं मार्केट में। नाउ वाइफ इज आस्किंग कि तो लाते क्यों नहीं हो, राइट, सो व्हाई डोंट यू ब्रिंग एनी, ये एक तरीका है लाते क्यों नहीं हो, हम इसका टेंस का बिल्कुल ट्रांसलेशन हमने किया है, लेकिन नेचुरली अगर ये अंग्रेजों के बीच में बातचीत चल रही होती है तो वो सिंपल इतना कहते हैं व्हाई डिडंट यू बाय एनी, व्हाई डिडंट यू बाय एनी, या फिर व्हाई डिडंट यू ब्रिंग एनी, या फिर व्हाई डिडंट यू गेट एनी। राइट, तो कई सारे तरीके से इसको कहा जा सकता है, तीनों में से कोई भी तरीके से आप सेंटेंस बोल देंगे इनकरेक्ट नहीं होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आपने आज तक फरमाइश नहीं की इसलिए नहीं लाया। नाउ हस्बैंड इज रिप्लाइंग कि आपने आज तक फरमाइश नहीं की इसलिए नहीं लाया। अब इस प्रकार का जो सेंटेंस आता है तो वो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, फरमाइश की अंग्रेजी ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से हमें ये देखना होता है कि इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, ना कि फरमाइश का ट्रांसलेशन ढूंढना है। राइट, इसी चीज को बिल्कुल सिंपल कहना है यू नेवर आस्क दैट्स वाई आई डिडंट बाय एनी, यू नेवर आस्क दैट्स वाई आई डिडंट ब्रिंग एनी। राइट, आपने कभी पूछा ही नहीं, आस्क जो है ना, आस्क एक्चुअल में पूछना, कहना, रिक्वेस्ट करना, कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब कोई आस्क के मीनिंग अगर ढूंढने निकलेगा तो बहुत सारे मीनिंग है, सीखने का तरीका बस यही है कि सुनते जाइए, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम सुनते हैं वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को, तो लॉजिक समझ में आ जाता है कि कहाँ सूटेबल है और कहाँ सूटेबल नहीं है। राइट, सो यू नेवर आस्क दैट्स व्हाई आई डिडंट ब्रिंग एनी, इसलिए मैं कोई नहीं लाया आज तक। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी ला दूं या कल ला दूं, अभी ला दूं या कल ला दूं। अब जैसे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, नाउ हस्बैंड इज आस्किंग कि तरबूज की जहाँ बात चल रही है, अभी ला दूं या कल तक का टाइम है मेरे पास, कल ला दूं। राइट, अब इसी एक्सप्रेशन को हमको कहना है शुड आई गेट देम नाउ और टुमारो, शुड आई गेट देम नाउ और टुमारो, या फिर शुड आई गेट इट नाउ और टुमारो, डू यू वॉन्ट इट राइट नाउ और कैन आई गेट इट टुमारो। तो कई सारे तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं, डू यू वॉन्ट इट राइट नाउ और कैन आई गेट इट टुमारो। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी भुट्टा भून दो तरबूज कल ला देना। नाउ वाइफ इज सेइंग कि अभी फिलहाल में भुट्टा भून दो और तरबूज कल ला देना, रोस्ट द कॉर्न नाउ एंड गेट द वाटरमेलन टुमारो, रोस्ट द कॉर्न नाउ एंड गेट द वाटरमेलन टुमारो, यानी तरबूज कल ले आना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कटा हुआ लाऊं या साबुत लाऊं, कटा हुआ लाऊं या साबुत लेके आऊं, सो शुड आई गेट प्री कट और ए होल वन, शुड आई गेट प्री कट और ए होल वन। होल मतलब साबुत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, होल का मतलब है कोई भी चीज साबुत, जैसी कंडीशन में वो पैदा हुई है, उगी है, उसी कंडीशन में, सो शुड आई गेट प्री कट और ए होल वन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ना कि शुड आई गेट रेडी टू ईट और द होल वन, शुड आई गेट रेडी टू ईट और द होल वन। तो इंडिकेशन, मैसेज पहुंचाना होता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना होता है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसा मिल जाए वैसे ही ले आना। अब ये वाला सेंटेंस है, जैसा मिल जाए वैसा ही ले आना। अब इसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, सिंपल कह सकते हैं जस्ट गेट वट एवर इज अवेलेबल, जैसा अवेलेबल हो, कटा मिल रहा हो तो कटा ले आना, साबुत मिल रहा हो तो साबुत ले आना, जस्ट गेट वट एवर इज अवेलेबल। बिल्कुल, इन चीज़ों को हमें सीखना होता है और इन चीज़ों को सीखने का तरीका यही है कि हमको सुननी पड़ती है अंग्रेजी कि इस बात को सामने वाले ने कैसे कहा था। खुद से ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं, 80% लगभग इंग्लिश बनाई नहीं जा सकती, 15-20% इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट की जा सकती है, कुछ हद तक मैच कर जाएंगे सेंटेंसेस, लेकिन 80% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, खांसी की दवा साथ में लाऊं या बाद में लाऊं, सिंस वाइफ इज आस्किंग फॉर वाटरमेलन, तो तरबूज खा के ठंड हो जाती है, एक मान्यता है, होती है या नहीं होती है आई एम नॉट श्योर, अगर आपको लगता है कि तरबूज खा के ठंड हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस पे, ये मिथ है या साइंटिफिकली प्रूवन है। राइट, सो हस्बैंड को ये कन्फ्यूजन है कि तरबूज खाएंगे बच्चे इस मौसम में तो खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, तो
इसलिए हस्बैंड पूछ रहा है कि खांसी की दवा साथ में लाऊं या बाद में लाऊं, खांसी की दवा साथ में लाऊं या बाद में लाऊं, शुड आई गेट कफ सिरप अलॉन्ग विद दैट और लेटर। और बिल्कुल क्लियर मैसेज कर रहे हैं, तो शुड आई गेट कफ सिरप अलॉन्ग विद वाटरमेलन और लेटर, यानी तरबूज के साथ में दवा भी ले आऊं या बाद में लेके आऊं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। द वाइफ इज सेइंग कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। टॉकिंग टू यू इज जस्ट यूजलेस, टॉकिंग टू यू इज जस्ट यूजलेस, यानी तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, मेरा मोबाइल मुझे पकड़ा दो और ऊपर जाओ। द वाइफ इज सेइंग कि मेरा मोबाइल मुझको पकड़ा दो और ऊपर जाओ। हैंड मी माई फोन एंड गो अपस्टेयर्स, हैंड मी माई मोबाइल एंड गो अपस्टेयर्स। हैंड मी यानी कि मुझे पकड़ा दो, हैंड हिम द फोन, उसको फोन पकड़ा दो, तो हैंड मी द फोन एंड गो अपस्टेयर्स, मेरा मोबाइल मुझे पकड़ाओ और ऊपर चले जाओ। इस सेशन को आप दो तीन बार देखेंगे, खुद से आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, कोई लिटरल ग्रामर यूज नहीं होता, सारा खेल है वर्ड ऑर्डर का, कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है और किसी सिचुएशन के लिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एंड कर रहे हैं। और फीडबैक प्लीज दीजिएगा इसके बारे में कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल था नहीं था, ये सेशन आपको हेल्प कर पाया या नहीं कर पाया। ऑलराइट, प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।